नमस्कार। जीवन में कई ऐसे कर्म जो मन वाणी विचार वर्तन से उचित नहीं होते, या साफ शब्दों में कहा जाए तो बुरे कर्म होते हैं। लेकिन ऐसे कर्मों के साथ हम जाने अनजाने में जुड़ जाते हैं। आज मन वचन कर्म वाणी व्यवहार और विचार से हमसे जो अनजाने में बुरे पाप कर्म हो गए हैं, उसके बुरे फल से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की शरण में एक मंत्र जाप अर्पित करके मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। विष्णु सहस्त्र नामावली का अद्भुत सुंदर मोक्षकारक विष्णु के नाम का जाप इन सभी पाप कर्मों से जो अनजाने में घटित हुए हैं उसके फल से हमें मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस मंत्र यज्ञ को। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। निवृत्तात्मने नमः। ॐ 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 निवृत्तात्मने नमः। निवृत्तात्मने नमः। ॐ 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 निवृत्त
पवित्रात्मने नमः। ॐ निवृत्तात्मने 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 नमः। मंत्र ध्यान यज्ञ यहाँ पूर्ण हुआ। अब आप चाहे तो अपनी आँखों को खोलकर इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं।